इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पे आने वाले सीरियल अनुपमा के बारे में। इस शो को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और वहीं शो में पारस को समर के किरदार में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन आप सभी ये नहीं जानते होंगे कि इस किरदार को पारस कलनाउत को देने से पहले मेकर्स ने टीवी के 5 पॉपुलर अभिनेताओं को ऑफर किया था, जिसे उन्होंने किसी न किसी कारण की वजह से ठुकरा दिया। तो अगर आप सभी ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, सिविंग नारंग। इन दिनों सिविंग दर्शकों के बीच कितने पॉपुलर हैं ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे। इनकी एक्टिंग भी काफी दमदार होती है। ये सब देखते हुए मेकर्स ने इन्हें समर का किरदार ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर शो को ठुकरा दिया कि वो अभी टीवी पर्दे से दूर रहना चाहते हैं। नंबर 2, टीवी के जाने माने एक्टर जय सोनी को भी मेकर्स ने इस रोल को ऑफर किया था, लेकिन जय सोनी ने इस किरदार को करने से ही मना कर दिया और वो भी रिजेक्ट हो गए। नंबर 3, रणदीप राय। रणदीप दर्शकों के बीच समीर के किरदार से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए और ये अभी टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं और दर्शक भी इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने भी इन्हें ये शो ऑफर किया था, लेकिन रणदीप ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो अभी टीवी इंडस्ट्री से दूर रहना चाहते हैं। नंबर 4, सुमेध मदगलकर। सुमेध दर्शकों के बीच कृष्ण के किरदार से पॉपुलर हुए और उन्हें कृष्ण के किरदार में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मेकर्स ने ये शो ऑफर किया था इनकी पॉपुलैरिटी को देखकर। लेकिन सुमेध ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया क्योंकि सुमेध को ये रोल कुछ खास पसंद नहीं आया और इस तरह वो भी रिजेक्ट हो गए। नंबर 5, पर्ल विपुरी। पर्ल को नागिन में माहिर के किरदार से बहुत ही पसंद किया जाने लगा और अभी पर्ल टीवी इंडस्ट्री के चहेते एक्टर्स में गिने जाते हैं, इसलिए मेकर्स ने इन्हें ये शो ऑफर किया था, लेकिन पर्ल ने इस शो को करने के लिए कुछ ज्यादा ही फीस चार्ज कर दी, इसलिए मेकर्स ने ही इन्हें रिजेक्ट कर दिया। और आखिर में ये शो मिला पारस कलनाउत को और फिलहाल पारस को समर के किरदार से घर घर जाना जा रहा है। वेल, इस किरदार में पारस ही फिट है या कोई और एक्टर को होना चाहिए, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।